आयुर्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन मेडिकल सिस्टम है। घुटनों का दर्द यानी आर्थराइटिस, डायबिटीज, कोलाइटिस या फिर त्वचा के रोग जैसे सफेद दाग यानी वटीलेगो, सोराइसिस, एक्सीमा आदि का आयुर्वेद में कैसे होता है इलाज, देखें कनाडा के जाने माने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा के साथ। हेल्थ जरूरी है, जी हाँ हेल्थ जरूरी है। मैं सभी दर्शकों का निगा स्वागत। ये एक सीरीज है जिसके अंदर हम हेल्थ टिप्स देंगे और उसके लिए हमारे साथ आयुर्वेदा एक्सपर्ट वैद्य हरीश वर्मा साहब मौजूद होंगे। आज का जो प्रोग्राम है वो हम करने जा रहे हैं पोस्ट कोविड यानी कोविड के बाद के इश्यूज के मुतल्लिक। उसमें आयुर्वेदा क्या कहता है और हमारे वैद्य जी की क्या राय है, इस सिलसिले में हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो हरीश वर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। तो कोविड के ऊपर तो बहुत बात होती है, बहुत चर्चा रहा है, अब आप बताइए कि आयुर्वेदा कोविड को कैसे देखता है। देखिए, कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है जो 2019 में वुहान में चाइना में शुरू हुई और पूरी दुनिया में फैल गई। ये कोविड जब शुरू हुआ था तो नॉर्मली, मैं कोविड के बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये एक वायरल फीवर है और ये फीवर से शुरू होता है। इसमें मुख्य लक्षण फीवर होता है, बुखार होता है, और ये कोविड की बीमारी जो है ये बाईफेजिक डिजीज होती है। इसमें पहले दिन से लेके आठवें दिन तक एक फेज होता है और नौवें दिन से 18वें दिन तक दूसरा फेज होता है। तो पहले फेज में जनरली जो लक्षण होते हैं वो पेशेंट्स को बुखार, खांसी, सूखी खांसी आती है, गला खराब, गले में खराश होती है, थकावट, बॉडी एक्स, इसके अलावा लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, या कई पेशेंट्स को डायरिया भी हो जाता है, इस तरह के लक्षण होते हैं। लेकिन सेकेंड फेज में पेशेंट को सांस चढ़ने लगता है और उसकी ऑक्सीजन कम होने लगती है, और कई बार सांस चढ़ता है, ऑक्सीजन इतनी कम होती है, पेशेंट बेचैन हो जाता है और हॉस्पिटल भागते हैं पेशेंट। वहाँ जब उनकी ऑक्सीजन चेक करते हैं वो कम पाई जाती है, तो फिर पेशेंट के एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह करके ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितनी सीरियस बीमारी है। और कई बार तो पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है और बहुत सारे पेशेंट अपना इलाज करा के घर पे वापस आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स की पास्ट में हमने देखा डेथ भी हो गई है। तो वैद्य जी, मैं इसको इस तरह कहती हूँ कि BC बिफोर कोविड, AC आफ्टर कोविड, MCC कंटिन्यूस कोविड, और अब हम आज बात कर रहे हैं PC पोस्ट कोविड। तो इस वक्त कोविड के क्या सूरत हाल है और उसमें आयुर्वेदा किन चीजों के बारे में हमें कहता है कि हम ये करें तो हम बेहतर हो सकते हैं और अगर हम ये करें तो हमारी बीमारी खराब हो सकती है, डू एंड डोंट्स। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोविड में जो अभी तक जैसे वैक्सीन भी आया, लेकिन हमने अभी रिसेंटली भी देखा है बहुत सारे पेशेंट जिन्होंने दो दो शॉट्स वैक्सीन के लगवाए, इवन बूस्टर डोज भी लिए, तब भी उनको कोविड हो गया। सो इसमें सारा खेल पेशेंट के इम्यून सिस्टम का है। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कोविड माइल्ड रहता है, अगर पेशेंट की इम्यूनिटी थोड़ी कम है तो कोविड जो है ये काफ़ी अग्रेसिव होता है और काफ़ी सीरियस हो जाता है। सो इम्यूनिटी का खेल है, पेशेंट का इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो हम लोग आयुर्वेदा में इम्यूनो मॉड्यूलेटर मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारी दवाइयाँ जो इम्यून सिस्टम को ठीक रखती हैं, जिसमें अश्वगंधा कैप्सूल बड़े कमाल के रिजल्ट हैं और पूरी दुनिया ने देखा कि अश्वगंधा जो है कोविड के मरीजों को बहुत फ़ायदा करता है। एक हर्ब होती है, दूसरी हर्ब है, उसका नाम है गिलोय, जिसको टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया कहा जाता है। इसका बहुत यूज़ हुआ इंडिया में। मैं जब कोविड शुरू हुआ था, मैं उन दिनों में इंडिया में था, तो इसका बहुत मैसिव यूज़ हुआ। तीसरा, एक इंडियन गवर्नमेंट ने, आयुष डिपार्टमेंट ने एक काढ़ा बताया लोगों को, वो काढ़ा बड़ा फेमस हुआ, उसको बोलते हैं आयुष काढ़ा। उसमें चार चीज़ें होती हैं, तुलसी के पत्ते, दालचीनी, सौंठ और काली मिर्च।
ये चारों चीजों का काढ़ा बना करके पेशेंट को दिया जाता है और नेट पे भी ये सारा आजकल अवेलेबल है। जो भी दर्शक अपने देख रहे हैं वो नेट पे जाके देख सकते हैं आयुष काढ़ा, तो आप घर पे भी बना सकते हैं। तुलसी के पत्ते, ड्राइड लीव्स, यहाँ पर तुलसी के पत्ते मिल जाते हैं, दालचीनी, काली मिर्च और सौंठ, इनका चारों का चाय बना के आपने पीनी है और ये कोविड के मरीजों को बहुत फायदा करता है। और तीसरा, कोविड में हल्दी का रोल कमाल का रोल है, आजकल बड़ा पॉपुलर हुआ पिछले दिनों में गोल्डन मिल्क, जो कि हल्दी से दूध बनता है, कमाल के उसके रिजल्ट। सो ये सारी दवाइयाँ हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखती हैं। जहाँ तक आपने पोस्ट कोविड की बात की, तो आजकल पोस्ट कोविड के इरा में बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी कंप्लेंट्स लोग लेके हमारे पास आते हैं। उसमें तीन चार बीमारियाँ बड़ी कॉमन है, एक तो वेट लॉस, कोविड के पेशेंट्स का वेट लॉस बहुत होता है, और दूसरा जो मेजर सिम्टम कोविड के पेशेंट्स को है, मसल पेन्स उनको बढ़ जाती हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा है जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज थे उनका रिलैप्स हो गया है, उनकी बीमारियाँ वापस आ गई हैं। मेरे पास, मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीजों को देखता हूँ, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के, उनमें से काफ़ी सारे पेशेंट्स को अल्सरेटिव कोलाइटिस का दोबारा से अटैक आ गया। इसी तरह रोमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज जिनको ऑटो इम्यून डिजीज हैं, वो सारी बीमारियाँ कोविड के इरा में बढ़ गई हैं। तो इसके अलावा एक और बहुत बड़ा सिम्टम हमें देखने को मिल रहा है, जिसको ब्रेन फॉग बोलते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमें आगे कहते हैं कि जी हमारी एकाग्रता नहीं बनती, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनती, फोकस नहीं बन रहा, हम उतने शार्प नहीं हैं, उतने चौकस नहीं हैं, तो जिसको एक ब्रेन फॉग बोलते हैं। ये बड़ा कॉमन सिम्टम है पोस्ट कोविड एरा में, और बहुत सारे पेशेंट्स में एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी बढ़ गया है, और मेंटल हेल्थ के इश्यूज पोस्ट कोविड एरा में काफ़ी देखने को मिलते हैं। वैद्य हरीश वर्मा साहब, आज की इस गुफ्तगू का और छोटे छोटे टिप्स देने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। नाज़रीन, हम छोटी छोटी कोशिशों से चीज़ को संभाल सकते हैं। हमें बड़ी बीमारी से बचने के लिए छोटे छोटे उपचार या छोटी छोटी रेमेडीज या छोटे छोटे नुस्खे बहुत मदद करते हैं। आयुर्वेदा नेचुरल वे है। आपको हमने आज छोटी सी टिप्स दी हैं, अगर आपको ये वर्क करें, इन्हें ट्राई कीजिए। अगर ये आप पे वर्क करें तो हमें ज़रूर बताइएगा। आपको मज़ीद डिटेल्ड हेल्प की ज़रूरत हो आयुर्वेदा के लिए, तो हमारे वैद्य हरीश वर्मा साहब से 416-804-1500, 416-804 और 1500 पे ज़रूर रابطہ कीजिए। आज का हेल्थ ज़रूरी है हमारे साथ देखने का बहुत शुक्रिया।